ओके okay, uh, अभी साउंड देखो एक बार फटाफट साउंड आ रहा है क्या अभी नाउ इट्स फाइन राइट अभी ठीक है जल्दी से बताइए अभी ठीक है क्या ठीक है भाई नो साउंड की पहुंचार हो चुकी है नाउ <laughs> आवाज इज कमिंग सर आवाज इज नॉट कमिंग सो नाउ आई होप साउंड इज ओके फ्रॉम माई साइड प्लीज डू कॉमेंट एंड टेल मी ओके फाइन सो ठीक है जब आवाज ही नहीं आ रही थी एक बार फटाफट से फिर से हम लोग एक वेलकम वाला स्टार्ट करते हैं कि वेलकम टू ए डर ट्वेंटी फोर सेवन दिस इज आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी जबरदस्त चल रही होगी इस बात के साथ मैं हमेशा सा शुरू करता हूं आज आवाज नहीं आई तो मैंने फिर से शुरू कर दिया चलिए तो आ, आज का जो एजेंडा है सेशन का वो क्या है फाउंडेशन uh, बैच में जीरो टू हीरो बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स को समझना जानना कि भाई बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है इस चैप्टर का और ऑफकोर्स क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हम लोग तो एटलीस्ट एक टाइप का सवाल तो डिस्कस कर लेंगे इस चैप्टर में राइट सो बिफोर वी टुवर्ड्स द this chapter that means coding decoding we must discuss the homework question which i gave you in last class right yes very good morning chaliye theek hai umang kumar very good very good okay <laughs> अच्छा ठीक है तो जूही बाजपेयी तो क्या रखूं मैं अपने आप को मेंटर ना रखूं तो चलिए सो ऑफकोर्स सेशन का शुरुआत जो अपन करते हैं वो करते हैं वर्ड्स विच मे इंस्पायर यू दैट द थॉट्स ऑफ डे से और उसमें लिखा गया एवरी थिंगी इफ यू आर क्रेजी आप में अगर पागलपन नहीं है तो शायद आपके लिए चीजें कठिन होंगी लेकिन अगर आप में पागलपन है तो चीजें आपके लिए काफी आसान होंगी और उसके बाद लिखा हुआ नथिंग विल बी ईजी इफ यू आर लेजी अगर आप लेजी हैं आलसी हैं तो फिर आपके लिए कुछ भी आसान नहीं है बहुत सिंपल बहुत साधारण सी बात है लेकिन बहुत आ, महत्वपूर्ण बात है कि स्टूडेंट के लिए तो खास तौर पे बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी गई है ये वाली ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं बात करते हैं सवालों पे, ओके चलो सो नाउ विल टॉक अबाउट द एजेंडा ऑफ द सेशन ऑफकोर्स एजेंडा क्या है सेन का भाई टू डि द होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द प्रीवियस सेन ऑफकर्स पहले तो यह करेंगे ही करेंगे उसके बाद क्या करेंगे टू डिस्कस द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोडिंग डी कोडिंग ऑफकोर्स कोडिंग बेसिक बेसिक आइडिया डिस्कस करने वाले अपन उसके बाद मूव करेंगे बेस्ड ऑन सब्सिट्यूशन कोडिंग है ना कोडिंग डिकोडिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं तो टाइप्स की चर्चा में हम लोग सबसे पहले आज बात करेंगे सब्सिशन कोडिंग की ठीक है तो फटाफट से आप एक काम कीजिए सेशन को तो शेयर और लाइक कर दीजिए ताकि अपन अच्छे से मूव कर पाए तो फटाफट देखते हैं कल के सवाल में क्या तकलीफ थी ऑफकोर्स पहला सवाल जो था ना ये वाला जो हमने किया था यहाँ पे हमने यहाँ पे मैंने कहा था वन के हिसाब से मैंने यहाँ पे ऑप्शन को प्रेजेंट कर दिया था अब मैं उसको ठीक कर लिया हूं और ऑफकोर्स अब इसको सॉल्व करेंगे अपन इन स्टेप्स को अगर फॉलो करेंगे तो ऑफकोर्स अपन आंसर क्या मिलेगा हमें ऑप्शन नंबर सी मिलेगा यहाँ से सिक्स ठीक है ना, आई होप ये मैंने समझा दिया था तो कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है ठीक है ठीक है। yes, crazy. Very good. हाँ. <laughs> आगे बढ़ते हैं तो ये सब क्वेश्चन हो चुके थे इसका भी हम लोग आंसर लेके आ चुके थे two, uh, uh, two, six, six, seven आया था इसका आंसर मुझे याद है अब हम बढ़ते हैं ये दोनों क्वेश्चन जो थे नंबर क्वेश्चन एंड ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन So, ये दोनों क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं और देखते हैं सर करेक्ट आंसर जो आपने दिया है जैसे कुछ लोग कह रहे हैं सर इलेवन का ये होगा और ट्वेल्थ का ई e कह रहे हैं कुछ लोग कुछ लोग बी कह रहे हैं सो so, फटाफट चेक करते हैं क्या आपके करेक्ट आंसर है या नहीं है वट विल बी द डिफरेंस बिटवीन टू रोज डिफरेंस बिटवीन टू टू रोज दैट दैट मीनस की द रिजल्टेंट का डिफरेंस जो रिजल्टेंट का डिफरेंस आएगा ना उसके यहां पे उ, उसके डिफरेंस की बात डिमांड हो रही है दैट कि हम रो वन की अगर बात करें अब डिफरेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन दिस टू रो का मतलब क्या हो गया रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड रिजल्टेंट ऑफ सेकंड रो जो आएगा ना उसका डिफरेंस हमें यहां पे कैलकुलेट करना है तो फटाफट -फट से आप इसको कैलकुलेट करें और देखते हैं कौन कौन से हम यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं स्टेप्स वन नाइनटी वन है यहां पर यहां पर ट्वेंटी नाइन है सो बोथ आर एक्चुअली ऑड नंबर ठीक है ना <laughs> ठीक है ठीक है 191 क्या है ऑड नंबर है और uh, 29 भी क्या है ऑड नंबर है दैट मीन्स इफ एन ऑट नंबर इज फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर देन डबल द सम ऑफ द टू नंबर्स इन दोनों ही नंबर्स के आपके जो सम होंगे वो क्या होंगे डबल होंगे दैट मीन्स कि उसको डबल कर देना है दैट मीन्स 191 है ना इसको भी आप डबल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा आपका थ्री एटी टू एंड ट्वेंटी नाइन का डबल क्या हो जाएगा फिफ्टी एट अब दोनों को जोड़ सकते हैं आप सो दिस इज द स्नैरियो सो आई थिंक यू विल गेट फोर वन जीरो राइट फोर वन जीरो मिल जाएगा आपको यहाँ से फोर 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 जीरो सॉरी फोर फोर जीरो फोर फोर जीरो बिलगेट फोर फोर जीरो हमें मिलेगा इसी तरीके से फोर फोर जीरो नंबर हो गया और वन सिक्सटी फोर क्या हो गया हमारा इवन नंबर दोनों ही इवन नंबर है हम यहां पे कौन से स्टेप को फॉलो करेंगे ऑफकोर्स हम यहाँ पे स्टेप फॉलो कराएंगे स्टेप नंबर फोर जब हम जहां कहता है लार्ज नंबर डबल ऑफ द लार्ज नंबर मस्ट बी एडेड टू द स्मॉलर नंबर दैट मीस बड़ा नंबर जो रहेगा उसको डबल कर देंगे दट मीस आठ सौ अस्सी हो जाएगा ये और उसको हम एड करेंगे वन सिक्सटी फोर से वन सिक्सटी फोर से हम ऐड कर देंगे दैट मीस इट विल बी इट विल बी नाइन सॉरी वन थाउजेंड

402 right 402 we'll get 402 exactly 402 हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल अब यहाँ पे हमारे पास 402 जो हमने क्या किया यहाँ पे दोनों ही इवन नंबर थे फिर से हमने स्टेप फोर लगा दिया यहाँ पे और 1402 जो हमारे पास मिला है यहां से वो 402 क्या है इवन नंबर है और ये क्या है ऑड नंबर दैट मींस कि हमें इवन नंबर पहले है और यहां बाद में हमारे पास क्या ऑड नंबर है दैट मीन्स की हमें क्या करना है इवन नंबर एंड ऑड नंबर दैट मीन स्टेप वन फॉलो कराएंगे स्टेप वन कहता है कि अगर इवन नंबर फॉलो किया जाएगा ऑड नंबर से देन हाफ ऑफ द इवन नंबर विल बी मल्टीप्लाई टू द ऑड नंबर अब इसका हाफ क्या हो जाएगा इसका हाफ हो जाएगा दो सौ इसको मल्टीप्लाई करना है किससे सिक्सटी सेवन से दैट मीन्स की टू जीरो वन को और मल्टीप्लाई करेंगे हम सिक्सटी सिक्सटी सेवन से अगर हम टू जीरो वन को मल्टीप्लाई करते हैं टू जीरो वन को मल्टीप्लाई करते हैं सिक्सटी सेवन से तो यहां पे आ जाएगा सेवन यहां पे आ जाएगा जीरो यहां पे आ जाएगा वन जीरो फोर यहाँ पे आ जाएगा आपका सिक्स यहाँ पे आ जाएगा जीरो यहाँ पे आ जाएगा ट्वेल्व दैट मीनस वी वी सेवन सिक्स फोर थ्री वन वन थ्री फोर सिक्स सेवन ये आ जाएगा वन थ्री फोर सिक्स सेवन राइट अब हमारे पास वन जीरो वन जीरो फोर फोर यहां पे बचा हुआ है अब कह रहा है कि डिफरेंस क्या होगा भाई इन दोनों का तो अपन क्या करेंगे वन जीरो फोर फोर यहां से सब्जेक्ट कर देंगे यहां पे आएगा थ्री थ्री से एंड होने वाले हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से है तो ऑफकोर्स ये हमारे पास ऑप्शन दिख रहा है सिर्फ यहां पे आएगा टू यहां पे आएगा फोर यहां पे आएगा टू यहां पे आएगा वन दैट मीन्स कि अगर देखा जाए तो हम यहीं पर आंसर कर देंगे बिकॉज हम हमने क्या किया वन थ्री यहां पे देखिए दिख रहा है ना यहाँ पे फिजिकल प्लेस है ना

है ये जो अप्रोच मैंने बताया अभी ये आपके एग्जामिनेशन वाला अप्रोच है इस तरीके से आप एग्जामिनेशन में बाकी लोगों से पहले कर सकते हो सवाल को ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है आई होप आइडिया सिमिलर क्वेश्चन यहां पे बोला है सम ऑफ टू रोज दैट मीस की सम ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू रोज यहां पे हमें इन दोनों सवाल में इस सवाल में क्या करना है ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन में हमें यहां पे मार्क करना है कि भाई सम ऑफ टू रोज दैट मीन रिजल्टेंट ऑफ टू रोज यहां पे सिक्स है फाइव टू है यहां पे इलेवन है फोर एंड थ्री है सिक्स एंड फाइव दैट मीनस की दिस इवन नंबर दिस इज ऑड नंबर इवन नंबर ऑड नंबर दैट मीस इवन नंबर को हम हाफ करके क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे इसका हाफ क्या हो जाएगा थ्री यहां फिफ्टीन मिल जाएगा और बच गया ये ऑड नंबर है ये वन नंबर है दैट अगेन इवन नंबर नंबर ऑड इज

ठीक है भगवान आपका भला करे ठीक <laughs> है चलो हां सर आपकी टेलीग्राम आईडी क्या है टेलीग्राम आईडी के लिए भाई कुछ नहीं करना रीजनिंग बाय सौरभ सर सर्च कर लेना मिल जाएगा आपको और हाँ संडे को मैं एक डेढ़ घंटा देता हूं आपको डाउट सेशन में तो मैं उसका टाइम कल अनाउंस करूंगा कि मैं संडे को या फिर ग्रुप में ही मैं बोल दूंगा कि मैं संडे को किस समय आपको एक से डेढ़ घंटा का समय निकाल के देता हूं आपको उसमें मैं डाउट डिस्कस करता हूं स्टूडेंट के साथ आप भरमार जहां से दिल करे वहां से डाउट पूछ सकते हो सेशन में बिल्कुल खुलेआम डाउट पूछिए उस वक्त मैं लाइव रहता हूं मतलब आपके टेलीग्राम पे फटाफट आपके फोटोज आते रहते हैं और मैं फटाफट जवाब दे सक, देता रहता हूँ ऑडियो के जरिए या फोटो खींच के सॉल्व करके जो भी आंसर हो सकता है ये काम मैं संडे संडे किया करता हूँ तो प्लीज आप उस पर अपने डाउट्स को रख सकते हैं फिलहाल ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए अब बात करते हैं कोडिंग डी कोडिंग की हरबड़ाने का नहीं बिल्कुल ठीक है आ, आ, हर बनाने का बिल्कुल नहीं हर एक चैप्टर में कॉन्सेप्ट और जो लेवल ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वो हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे किस तरीके से पढ़ेंगे जैसे हम देखते आए मतलब इस सवाल के जो लेवल रहेंगे हमारे सेशन में वो हमेशा कैसी होती है भाई आ, बिल्कुल इंक्रीजिंग वे में रहती है हम स्टार्ट तो जीरो से करते हैं मतलब जीरो इन द सेंस बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकिन जब लेवल ऑफ क्वेश्चन को इंक्रीज़ करते हैं तो शायद आपको समझ में आया होगा कि शायद ही यूट्यूब पर कोई ऐसे सवाल डिस्कस किया जाता होगा ठीक है चलिए संडे को पजल करा दीजिए अच्छा मतलब मैं आराम नहीं करूँ <laughs> अरे भाई पेशेंस रखो ना पेशेंस रखो थोड़ा ठीक है हाँ चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है बहुत ध्यान से सुनते रहना बातों को अगले दस पंद्रह मिनट तक फिर बात करेंगे सवालों पे ठीक है हाँ सो अगर <laughs> देखिए एक बात कहूंगा मैं ऐसे कोई अगर पापी इंसान है जो कि अब आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए प्लीज है ना ये काम कर लिया कीजिए अपना ये फीस है आपका कह सकते हैं कि आपका म्याई कमीन सर के जगह पे लाइक करके क्लास में एंट्री कर जाइए और हाँ शेयर जरूर कर दिया कीजिए सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड देन आफ्टर विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एंड दैन विल टॉक अबाउट द वन ऑफ द टाइप ऑफ द क्वेश्चन दैट मीस दिस इज द स्ट्रेटी ऑफ सेशन रेस्ट ऑफ द टाइम राइट हाँ <coughs> चलिए देखो जैसे ही कोडिंग डिकोडिंग की बातें शुरू होंगी फिर से यहां पे अल्फाबेट्स आ जाएंगे क्या आ जाएंगे अल्फाबेट Alphabet. अल्फाबेट्स आ जाएंगे यहां पे और अल्फाबेट्स का मतलब क्या होता है भाई ए बी सी डी मतलब ये जो होते हैं हमारे पास ए बी सी डी से लेके जेड तक ये अल्फाबेट्स है मतलब अगर आज के हम सवाल की बात करें जो आज के लेवल पर सवाल चल रही है तो अगर मैं ये बात करूं कि भाई मैं तुमको लेटर कोडिंग पढ़ाऊंगा मतलब कि लेटर कोडिंग का मतलब क्या हो जाएगा जहां पे हम लेटर से लेटर में कन्वर्जन सिखाएंगे लेटर से लेटर कन्वर्जन सिखाएंगे तो ये गलत हो जाएगा या फिर हम आपको नंबर कोडिंग सिखाएंगे जहां पे कि लेटर uh, से हम नंबर की तरफ कन्वर्ट करेंगे लेटर से नंबर कन्वर्जन सिखाएंगे ये सब काम नहीं करना है आज के जमाने में सवाल जो आपका आ रहा है ना आज के जमाने में जो आप सवाल आ रहा है आपका यहां पे कोडिंग uh, डिकोडिंग में वो बड़ा खतरनाक आ रहा है मतलब कि वो सिर्फ इन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं जैसे आप देखते हो न्यू पैटर्न ऑफ कोडिंग डिकोडिंग के सवाल को आप जब ऑब्जर्व करते होंगे

उसी सवाल को देखते हुए इंस्पायर्ड उससे होके और इस बेसिक लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए इसको इंप्लीमेंट कराते हैं वो मतलब लेटर्स का रैंक का इस्तेमाल करेंगे अब वो लेटर्स का रैंक फॉरवर्ड भी हो सकता है बैकवर्ड भी हो सकता है इन सभी बातों का इस्तेमाल करते हुए सवाल प्रिपेयर करते हैं आजकल तो दैट इज द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ कोडिंग रिकॉर्डिंग क्वेश्चन सो विल टॉक अबाउट दैट लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन वेरी क्लियरली दैट मीन की लेटर के लिए क्या क्या पॉसिबल लॉजिक हो सकते हैं इस्तेमाल किए जा सकते हैं या फिर आपके नंबर्स के लिए क्या क्या पॉसिबल लॉजिक इस्तेमाल किए जा सकते हैं या फिर सिंबल्स के लिए क्या क्या पॉसिबल लॉजिक वो इस्तेमाल

so of course I will discuss each and every concept which is actually required to answer the question of coding decoding okay नहीं spelling वहाँ ठीक kar lo yaar spelling is like s a u r a v reasoning by sorrow sir का spelling में sorrow यहाँ पे ऐसे है ठीक है bh नहीं लगाता मैं ठीक है I hope ideas clear हाँ चलिए सो so, अल्फाबेट्स की बात कर रहे हैं अपन तो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग बात कैसे करेंगे अल्फाबेट्स की अल्फाबेट्स मतलब लेटर्स की रैंक मतलब ए से लेके जेड तक की जो लेटर्स होती हैं उसकी रैंक हमें मालूम होनी चाहिए आई होप कि आप सभी को बिल्कुल मुजबानी याद होगा ये चीज मुझे बिल्कुल भरोसा है कुछ बच्चों को अगर नहीं भी याद है तो प्लीज इसको याद कर लीजिएगा मैं फिर भी थोड़ा सपोर्ट करूंगा यहां पे आपको जैसे लेटर्स की जो रैंक बोलते हैं ना दो रैंक होती है एक होता है फॉरवर्ड रैंक फॉरवर्ड रैंक मतलब जब भी हम किसी चीज को पढ़ते हैं लेफ्ट से राइट तो जब हम लेफ्ट से राइट right पढ़ रहे होते हैं तो दिस इज नोन एज फॉरवर्ड रैंक दैट मीस फॉरवर्ड क्यों बोलते हैं ओरिजिनल रैंक बिकॉज हम दुनिया में हर एक चीज लेफ्ट से राइट right ही पढ़ रहे होते हैं मैंने इनिक्विट में भी यह सेंटेंस यूज किया था जब मैं नॉर्मली हम क्या करते हैं एक्सप्रेशन को लेफ्ट राइट right पढ़ते हैं लेकिन जब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में पढ़ रहे होते हैं तो मैंने क्या कहा कंसर्निंग सिंबल को रिवर्स कर देना एक्जेक्टली exactly यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे अपन ठीक so, है, अगर ए की रैंक वन है जेड की रैंक ट्वेंटी है अगर लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर हम राइट टू लेफ्ट पढ़ना शुरू करेंगे तो इसकी इसकी क्या क्या हो जाएगी? 1, और इसकी rank क्या हो जाएगी जाएगी और so, आपको अगर सिर्फ फॉरवर्ड रैंक याद है तो भी आप बैकवर्ड रैंक आराम से याद कर सकते हो मतलब निकाल सकते हो ये बात ध्यान रखिएगा <coughs> सिवेश शर्मा कह रहे हैं सर आप शक्तिमान है नहीं यार मैं गंगाधर हूं ठीक है सो फॉरवर्ड रैंक एंड बैकवर्ड रैंक वी हैव टू टाइप ऑफ रैंक अब हम फॉरवर्ड रैंक को याद करने की को कोशिश करते हैं फटाफट आई थिंक आप लोगों को याद होगा आप आपसे बहुत सारे बच्चे इस वाले इस अप्रोच को यूज करते होंगे इजोटी और आप ही नहीं आज तक जितने स्टूडेंट एग्जामिनेशन पास किए है, कही कही हैं कहीं ना कहीं दफ्तर में बैठे हुए हैं वो बैंक में हो चाहे कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद किसी भी ऑफिस में बैठे होंगे तो हमेशा वो एजॉरिटी जरूर गुजरा होगा देखिए जो विनर्स होते हैं वो भी उस रास्ते से गुजरते हैं जो लूजर्स होते हैं वो भी उस रास्ते से गुजरते हैं लूजर्स पेशेंस खो देते हैं विनर्स पेशेंस रखे रहते हैं बस इतना ही डिफरेंस है दिमाग सबका लगभग वही होता है जो पेशेंटली चीजों को पढ़ पाया वही विजेता है वही विनर है और जो पेशेंस नहीं रख पाया वो आराम से वहीं से कट जाता है क्राउड का हिस्सा बन जाता है ठीक है ठीक है सो इजोटी इजोटी में मतलब क्या हो गया फाइव फाइव के रैंक पे अपन लेटर्स को कर देते हैं बहुत सिंपल बात है ये 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 युगो युगो चलता रहा जो फंडा है ये युगो युगो से ऐसा नहीं कि मैं दे रहा हूं या कोई एक इंडिविजुअल बताएगा कि मैं दे रहा हूं ऐसा कुछ नहीं ये युगो युगो से चलता आ रहा है दुनिया में हर जगह इस्तेमाल होता है सिर्फ भारत में ही नहीं हर जगह इस वाले अप्रोच को यूज करते हैं इजोटी e तो सिंपल सिंपल पांच पांच लेटर में अपन डिवाइड करते हैं बहुत सिंपल बात है लेकिन क्या सिर्फ यही अप्रोच हमारे पास होना चाहिए या फिर इससे और क्विक होना चाहिए मतलब इससे और कुछ होना चाहिए क्विक ऑफ फोर्स ठीक है So, सो अब अब, इससे अप्रोच हम अलग क्या कर सकते हैं तो हम लेटर्स को हम लेटर्स को विजुअलाइज करके याद करेंगे हम विजुअलाइज करेंगे लेटर्स को से या फिर हम लेटर्स को रिलेट करके याद करेंगे है ना क्योंकि हमें ना जुबान पे चाहिए वो चीज हमें कहां चाहिए हमें चाहिए जुबान पे वो चीज क्योंकि बाकी लोग क्या करते हैं रफ सीट में जाकर रैंक लिखते हैं लेटर का कॉन्फिडेंस ऐसा चाहिए कि आप लेटर्स को बिल्कुल ऐसे मतलब बोला कोई पी तो सोलह कोई बोला पी तो आप बोलेंगे सोलह कोई बोला आपका एन तो बोलेंगे एन अच्छा चौदह ऐसे नहीं करना है इतना गैप भी नहीं चाहिए मुझे आपसे मुझे मुझे आपसे रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि आपके अगर पूछे कोई भाई एम का बताओ तो बोलेंगे तेरह मतलब समझ रहे ये ये रिफ्लेक्शन चाहिए आई का रैंक नाइन होता है मतलब कि अगर कोई पूछ दे आपका एस का तो क्या बोलेंगे नाइनटीन ऐसे रिफ्लेक्शन चाहिए मुझे ठीक है और ये तभी होगा हाँ एक और होता है भाई ऑफ कोर्स सही बोल रहे हैं आप वाला जो होता है तो ये तीन तीन में डिवाइड कर देता मैं कहता हूँ भाई आप सिर्फ सिर्फी का ध्यान रखो और उसके बाद कुछ मत करो आप विजुलाइज करो या लेटस को रिलेट कर दो फॉर एक फटाफट एक एक, आद एक, आद एक ले लीजिए आप जैसे कि लेते हैं हम क्यू का क्यू की रैंक क्या होती है सेवनटीन होती है इसकी रैंक क्या होती है सेवनटीन होती है बहुत सिंपल सी बात है अब क्यू में अगर हम एक बार ऑब्जर्व करा दें आपको क्यू में सेवन हम देखते हैं इसको हम अगर सेवन बोलने लगे तो आगे से क्या होगा ना जब भी दुनिया में आप कुछ और भी पढ़ रहे होंगे तो क्यू को देखने के बाद उसमें उसका जो पूछ होगा ना इसको इसको बोलते हैं ये वाला एरिया इस इसको अपन सेवेन की तरह रियलाइज करने लगेंगे और वो ऑटोमेटिक दिमाग जो है ना आपको रिवाइज कर रहा होगा विजुअलाइजेशन से वो रिवाइज हो जाएगा आपको ध्यान समझिएगा नेक्स्ट हम कुछ बात करते हैं लॉजिकली जैसे कि हम बात करते हैं एन की आप एन की कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना बिल्कुल यहां से एन की कंस्ट्रक्शन पे आप हमने ऐसे लिखा और फिर हमने ऐसे बना दिया अब एन में हमें रोमन चार दिखाई दे रहा है क्या देखो तो हम अगर इसको बाइफकेट करें तो ये क्या हो गया अब इसको हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा बन जाएगा दैट एन में क्या दिख रहा है रोमन फोर दिख रहा है और यही फोर जो है आपको इंसिस्ट करेगा फोर्टीन के बारे में सोचने में तो इस तरीके से आप अपने आप से भी कुछ ना कुछ लॉजिक निकाल सकते हो ध्यान रखिएगा बहुत सारे लॉजिक निकाल सकते हो जैसे कि हम बात करते हैं एम की एम और डब्ल्यू को हम साथ में याद रख लेंगे एम जो है वो एक ऐसा लेटर है हमारे अल्फाबेटिकल सीरीज में जो कि तीन की तरह दिखता है हम लोग उसको घुमा देंगे किस तरह से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या होगा ये तीन बन जाएगा लेकिन ये हमारे अल्फाबेटिकल सीरीज में पहला लेटर है जो तीन की तरह दिखता है और W की बात करें तो ये हमारे अल्फाबेटिकल सीरीज में दूसरा लेटर है जो तीन की तरह दिखता है इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज एंटी डिग्री घुमाएंगे तो ये तीन बन जाएगा सो इस तरह से आप अपने आपको लॉजिक समझा सकते हैं भाई ऐसे होता है तो डब्ल्यू का हमेशा याद रहेगा ट्वेंटी थ्री का आपका थर्टीन याद रहेगा कभी कन्फ्यूज नहीं होंगे इसमें आप बिकॉज एक बार ये कन्फ्यूजन हुई तो आपका मिस्टेक जाहिर है पूरा सवाल में आप कितना भी लॉजिक लगा लो सवाल हिलेगा नहीं तो ये बेसिक चीजें हमेशा बिल्कुल दिमाग में चिपका के रखिएगा और बेसिक को समझने में कभी भी पीछे नहीं भागना है ध्यान रखिएगा ठीक है लेट्स टॉक अबाउट लाइक और भी कुछ कर सकते हैं एच की रैंक है तो एच की रैंक क्या हो जाएगी एट हो जाएगी डिजिटल एट हम ऐसे देखते हैं बना हुआ बहुत सी चीजें टी ट्वेंटी मैच है आपका के का रैंक इलेवन होता है भाई तो कैसे होता है तो किंग्स इलेवन पंजाब ऐसे रिलेट कर सकते हो आप इसको तो देआर सो मेनी थिंग्स ठीक है ठीक है ठीक है बात समझ आ रही है बात समझ में आ रही है दे आर सो मेनी वेज यू कैन रिलेट द थिंग्स हाँ अभी अपोजिट वाला फंडा ही बताएंगे अभी अपोजिट वाला फंडा ही बताऊंगा ठीक है सो इस तरह से रैंडमली आप किसी भी लेटर के बारे में पूछ सकते होगा भाई एस टी क्या होगा भाई नाइनटीन ट्वेंटी एस टी क्या होगा नाइनटीन ट्वेंटी है ना स्पीड टेस्ट इसको आप ऐसे रिलेट करते हो स्पीड टेस्ट है ना स्पीड टेस्ट जो आप देते हो स्पीड टेस्ट पेपर स्पीड टेस्ट कैसा होता है भयावा होता है आप डरते हो स्पीड टेस्ट से एंड नाइनटीन ट्वेंटी मूवी कैसे थी भयाव थी तो यू कैन रिलेट इट लाइक दैट राइट So, आप एस टी टी का तो याद ऐसे भी रिलेट कर सकते हो सो आर सो मेनी थिंग्स टू रिलेट थिंग्स लाइक हम पी की रैंक याद करना चाहते हैं पी का जो वाटर इमेज बनेगा वो ऐसा पी का वाटर इमेज क्या बनेगा, ऐसा बनेगा। और यह क्या हो जाएगा सोलह हो जाएगा मतलब पी का वाटर इमेज क्या होगा सिक्स होगा और सिक्स का मतलब सिक्सटीन हो जाएगा सो देर आर वेरियस वेज आप अपना खुद का भी एक आइडिया लगा सकते हो अपना लॉजिक इस्तेमाल कर सकते हो इस तरह लॉजिक uh, को इस्तेमाल करने मतलब की फाइन करने में आई होप आई टी एस सो इस तरीके से बाकी आपको जो इजोटी वाले लेटर्स हैं ये तो आपको सपोर्ट कर ही देंगे थोड़ा बहुत जे का रैंक हो गया के का एल का रैंक याद करना आपको एल का रैंक कितना होता है ट्वेल्व होता है एल का रैंक कितना होता है ट्वेल्व होता है ट्वेल्व इसमें से बस आप क्या करो इसको हटा दो वी को हटा दो अब क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा ट्वेल्व अब हम रैमिंग मिलाएंगे एल ट्वेल्व एल ट्वेल्व अब ये हमेशा याद रहेगा एल का रैंक है तो ट्वेल्व होता है मतलब रिफ्लेक्शन बाकी लोग एल का रैंक क्या होता है भाई अच्छा जे के बाद ऐसे कर रहे होंगे आप क्या करेंगे एल आप क्या करेंगे एल ट्वेल्व मतलब दिस इज हाउ यू कैन इजिल रिकॉल इजिली मेमोराइज एवरी थिंग ठीक है आई होप द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर आपको हमेशा पढ़ाई करते समय इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपको दूसरों से बेहतर होना है बेहतर होने के लिए एक भी सुराख नहीं छोड़ना है ध्यान रखिएगा ठीक है ठीक है चलिए तो ये हमारा फॉरवर्ड रैंक हो गया बैकवर्ड रैंक कैसे याद करें तो बैकवर्ड रैंक याद करना बहुत ईजी है बैकवर्ड रैंक याद करने के लिए कुछ भी नहीं करना फॉरवर्ड uh, रैंक

सेवेंटीन uh, अब देखो यहां पे जे का ये बैकवर्ड रैंक है ये फॉरवर्ड रैंक है पे क्या होता है जे और यहां पे क्या आता है क्यू क्यू दैट जे और आपस में क्या होगा अपोजिट लेटर हो गए जे और क्यू क्या हो गया आपस में अपोजिट लेटर हो गए तो हम अब अगर लेटर भी याद कर लेते हैं तो भी हमारे लिए बहुत बेहतर रहेगा अगर हम अपोजिट लेटर भी याद कर लेते हैं तो हमारे लिए जबरदस्त बेहतर रहेगा काम हम यहां क्या, क्या करते हैं एक बार अपोजिट लेटर आपको लिख के दिखाते हैं क्या क्या करना है जैसे कि अपोजिट लेटर्स की बात अगर करें हम लोग यहाँ पे ठीक है अपोजिट लेटर्स तो अपोजिट लेटर्स को आपको याद करने का क्या फंडा है देआर सो मेनी वेज बहुत सारे लोग बहुत तरीके बताएंगे आपको ऑफ कोर्स मैं भी को अपना एक तरीका अपना क्या मतलब ऑफ कोर्स यूनिवर्सल तरीका बताऊंगा मैं कोई नया बात नहीं बताऊंगा सो so, ए और जेड आपस में अपोजिट है है ना इस तरह से बी और वाई आपस में अपोजिट है सी और एक्स आपस में अपोजिट है या बहुत सारे बच्चों को मालूम भी होगा बहुत सारे बच्चों को नहीं भी मालूम है तो ध्यान रख लेंगे यहाँ पे ठीक है वेरी गुड थैंक यू सो मच वेरी वी आर नियर अबाउट सिक्स हंड्रेड और डू इट सिक्स हंड्रेड राइट नाउ क्या हो जाएगा डब्लू हो जाएगा ई e का क्या हो जाएगा वी हो जाएगा है ना एफ का क्या हो जाएगा यू हो जाएगा अब इसको हम एक नाम दे सकते हैं जैसे कि हम आजाद एक नाम कर दिया हमने आजाद है ना बी बी ओ वाई बॉय अब जब हमने कैप्स में लिखा है वो क्या हो गया आपस में अपोइ आप हो जाएंगे सिमिलरली यहां पे क्या हो जाएगा क्रैक्स अब मैं एक स्टोरी बना के सुनाऊंगा अभी आपको ठीक है यहां पे हो जाएगा ड्यू ये क्या हो जाएगा इवन इवन ये क्या हो जाएगा फुल ये क्या हो जाएगा फुल एफ यू आपका आपस में कैप्स रहेगा ये दोनों और ये हमारे स्मॉलर में रहेंगे ठीक है नेक्स्ट जी सो जी एंड टी आर अपोजिट ठीक है एच एस आई आर जे क्यू के पी एल ओ एम एन सो दिस इज हाउ यहां पे हम बोल देंगे जी टी रोड जी टी रोड यहां पर बोल देंगे हम हाई स्पीड हाई स्कूल जो भी कह सकते हो आप कह सकते हो यहां पे यहां पे हम कहेंगे इंडियन रेलवे इंडियन रेलवे आप इसमें खुद की कहानी भी गढ़ सकते हो बना सकते हो कोई जबरदस्ती नहीं कि मेरी कहानी याद करना है ना एंड जैक एंड क्वीन जंगल क्वीन जंगल क्वीन कर दो कहानी अच्छी बन जाएगी जंगल क्वीन यहां पे हो जाएगा कानपुर कुछ लोग कमला पसंद भी बोलते हैं इसमें कई बच्चे है ना कुछ नहीं कर सकते आप उनका मैं कई बार देखा जैसे मैं लिखा वहां कैसे क्या होगा तो बच्चे, बच्चे, बच्चे कमला पसंद है ना तो इसमें इसमें आप अपना पसंद बता रहे होते हो तो अपना पसंद मत बताइए है ना चलिए ये हमारे अपोजिट लेटर्स हो गए जिसके हम ऑफ कोर्स आपका अपना स्टोरी भी हो सकता है आप खुद भी यहां से कुछ बना सकते हो ए से अपना कुछ वर्ड बना सकते हो आप जंगल क्वीन हाँ जंगल की क्वीन हो सकती है ना भाई जापानी क्वार्टर आइए एक कहानी बनाते हैं इसको एक कहानी में तब्दील कर देंगे तो ये हमारे लिए आसान रहेगा कहानी आप खुद से ही सकते हैं कोई जबरदस्ती नहीं है कि हमारी कहानी जो हमने कहानी बता रहे हैं हम वो वाले याद कीजिए आप आप खुद से आपको तरीका बता रहा हूं कि आप कैसे अपोजिट लेटर्स को याद रख सकते हो इससे क्या फायदा होगा कि अगर ए का बैकवर्ड रैंक पूछा जाएगा तो आप ए का बैकवर्ड रैंक छब्बीस बोल सकते हो मजाक मजाक में कोई बोलेगा के का अपोजिट रैंक बताइए तो के का अपोजिट रैंक आप के पी से याद कर सकते हो के का अगर फॉरवर्ड रैंक जो भी है हम ट्वेंटी सेवन माइनस फॉरवर्ड रैंक इज इक्वल टू बैकवर्ड रैंक वाला र नहीं भी लगाएंगे तो चल जाएगा हमारा कैसे भाई तो के का फॉरवर्ड रैंक

क्रैक्स ड्यू ड्यू मत माउंटेन ड्यू आजाद अयक्स ड्यू इवेंट फुल भरा हुआ जो बॉटल था ड्यू का फोड़ दिया उसने आजाद अवन फुलर ऑन जी टी रोड वेयर ऑन जीटी रोड दे क्रॉस द इंडियन रेलवे इन हाई स्पीड ही क्रॉस द इंडियन रेलवे टू मीट द जंगल क्वीन ऑफ कानपुर टू मीट द जंगल क्वीन ऑफ कानपुर एंड ही फेल इन लव विद एंड ही वॉज अ मैन दैट्स इट ऐसा कहानी बना सकते हो ठीक है आप कुछ भी खुद का भी कहानी बना सकते हो आपको जो दिल करे कर लेना लेकिन मैं बता रहा हूं इस चीज का पॉजिटिविटी क्या है मतलब इसका आउटपुट क्या हमारे लिए होगा हमारे लिए क्या पॉजिटिव आउटपुट है कि जो मैंने यहां पे फॉर्मूला बताया आपको कि 27 माइनस फॉरवर्ड रैंक टू बैकवर्ड रैंक आप चाहो तो इसका इस्तेमाल नहीं भी कर सकते हो ठीक है आप चाहो तो इसका इस्तेमाल नहीं भी कर सकते हो मतलब आप चाहो तो इसको डायरेक्टली याद कर सकते हो जैसे कि आप बोला कि भाई ई का बैकवर्ड रैंक बताओ क्या होगा तो मैं वी मालूम है वी का क्या होता है बाईस होता है तो ई का बैकवर्ड रैंक बाईस हो जाएगा सिमिलरली आप ऐसे निकाल सकते हो ठीक है आई होप क्लियर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, है? है लेक्चर 15 में अपलोड करा दूंगा भाई कोई बात नहीं है आगे बढ़ते हैं हम सवाल पे चलते हैं तो अब देखते हैं कि आखिर ठीक है इन बेसिक अप्रोच के बाद अभी बहुत सारी बेसिक बातें और भी करनी है मैं जब हम न्यू पैटर्न के सवाल पर चर्चा कर रहे होंगे कल के क्लास में तो हम लोग कहीं ना कहीं बेसिक कॉन्सेप्ट को और भी तगड़ा करेंगे और भी गाढ़ा करेंगे इसे और भी शुद्ध करेंगे और तब हम कल के मतलब न्यू, न्यू पैटर्न के सवालों में बात कर रहे होंगे लेकिन उससे पहले ए से जेड की कहानी सौरभ सर की जुबानी अच्छा <laughs> हाँ तो कहीं ना कहीं सबका यही कहानी होता है ना मतलब जीटी रोड पे वो ऐसे करता है वह समझ रहे हैं बात कहानी आप खुद से आप आप लेखक बन गए नहीं मैं लेखक नहीं हूं भाई मैं फॉरवर्ड <laughs> रैंक uh, चलो ठीक है मैं सवाल पे चलता हूँ प्लीज फॉरवर्ड रैंक पर याद कर लीजिएगा जैसे मैंने अप्रोच बताया वैसे अप्रोच आप इस्तेमाल कर लीजिएगा मैं चलता हूं सवाल पे बिकॉज समय कम है मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट मैं एक बार टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से मिला दू मैं कि आप आने वाले सेशन में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं मतलब समझ रहे हैं मतलब बहुत जबरदस्त धमाल मचाने वाले हैं और ऐसे ऐसे लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं जिस जो आप शायद आप, आप मुझे लगता है कि अब आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं किस तरह के सवाल लेके आने वाला हूं आपके क्लासेस में मतलब कि आपने अगर पिछले सेशन को मुझे आप फॉलो कर रहे हो तो आपको समझ में आ चुका होगा जगन्नाथ प्रसाद साहू जी प्लीज अभी मुझे इस बात को लेके मत इंसिस्ट कीजिए फॉरवर्ड रैंक याद कराने के लिए बिकॉज टाइम खत्म हो जाएगा यार प्लीज बात समझो मैं चाहता हूं एटलीस्ट कुछ सवाल भी करके जाए ये बहुत बेसिक चीज है अगर हम बात करें फॉरवर्ड uh, रैंक को याद करने की मैंने कुछ आपको एक तरीका बताया है जैसे याद कर सकते हैं आप खुद से भी थोड़ा इजाद कीजिए आप पूरी तरह से मुझे बैसाखी मत समझिए अपना आप मुझे अपना बैसाखी मत मानिए होता सपोर्ट इतना बड़ा सपोर्ट मत मानिए आप बस हम आपके सपोर्ट हैं पैसा की मतलब पूरा ही डिपेंडेंट मत हो जाए हमारे पे आप ठीक है तो आप थोड़ा बहुत आप इनोवेट इनोवेशन लगा सकते हो आप खुद से भी थोड़ा बहुत सोच सकते हो आप ठीक है ध्यान रखिएगा इस बात का अब मैं बात करता हूं कि आने वाले सेसन में या फिर आज हम क्या करने वाले हैं या आने वाले सेसन में और हम क्या काम करने, करने, करने वाले हैं सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वी विल टॉक अबाउट इन दिस चैप्टर दट इज सब्स्यूशन कोडिंग सबसे आसान क्या है सब्सूशन कोडिंग है सेकंड नंबर पर आसान क्या है बाइनरी कोडिंग है बस यही दो चीज आसान है ध्यान समझना बात को सवाल में धवाल होगा एग्जैक्टली exactly. हाँ देखो ये दोनों जो आपको लिखा हुआ ना पहला दोनों बाइनरी कोडिंग एंड सबल कोडिंग ये दोनों ही सिर्फ आसान है इसके बाद की जो नैया है ना भाई साहब ये लिटरली बहुत खतरनाक है बहुत मजा आने वाला है लेकिन जैसा कि इस बैच का नाम है जीरो से हीरो तो हम इस तरह से बढ़ते हुए जाएंगे तो आज हम स्टार्ट करेंगे यहां से सवाल करना और बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच जाएंगे तो बहुत मजा आने वाला है आने वाले सेशंस में मतलब हम आग लगाने वाले हैं कोडिंग रिकोडिंग का भी जो लफड़ा रहा है वो सब दूर हो जाएगा सारे कष्ट भाग जाएंगे बस लगातार बने रहिए है यहां पर कुछ नहीं करना आपको देखो अभी डिमांड देख रहे हो सर संडे को भी क्लास लेना अभी क्या चाहते हो मैं मर जाऊं चलिए एक सवाल लेके आए आपके सामने सवाल कह रहा है Uh, सवाल जो है बहुत आसान है बेहद आसान सवाल है ऐसे सवालों को कैसे टैकल करते हैं इसका एक बहुत अच्छा दवा दिखाता हूं बताता हूं मैं आपको ठीक है ठीक है ठीक है मिक्सअप कह रहे हैं सर आपकी टोटल वीडियो मिलेगी क्या रीजनिंग की ऑफकोर्स मिलेगी आप जीरो टू हीरो वाले बैच में जाइए वहां पर आपको नजर आ जाएगी सारे के सारे वेरी गुड वेरी गुड मनोज चलिए सवाल आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये सवाल कैसे सॉल्व करते हैं इस सवाल को कई बच्चे क्या करते हैं कई बैल बुद्धि वाले बच्चे क्या करते हैं क्या करते हैं लिखेंगे इसको में अरे पापी इंसान इसको लिखने का समय है क्या हमारे पास क्या हम एग्जामिनेशन में इस पूरे चीजों को लिखेंगे अगर तो तो इतना समय है बिकॉज ये सवाल आएगा तो कहां आएगा ये सवाल आएगा क्लर्कियल लेवल के प्री एग्जामिनेशन में या फिर जो हमारे उस जो भी क्लर्कियल लेवल के एग्जामिनेशन हो सकती है असिस्टेंट लेवल की एग्जामिनेशन हो सकती है बैंक के अंदर उसमें ये या फिर एस के एग्जामिनेशन में भी आजकल देखा जा रहा है ये वाला तो प्री लेवल के एग्जामिनेशन में यह सवाल मिलेगा आपको ध्यान रखिएगा तो हमें प्री लेवल के क्लर्कियल लेवल असिस्टेंट लेवल के एग्जामिनेशन से हमें चलना है कहां तक

एक सेंटेंस दिया जाएगा जिसमें कुछ तीन या चार वर्ड होंगे या पांच वर्ड हो सकते हैं और उनके यहां पे कोड दिए रहेंगे अब कभी भी दिमाग में ये मत समझना आप जो नए बच्चे हैं बिल्कुल फ्रेशर हैं उनके लिए बता रहा हूं ये बात ये सीरियल वे में यहां पे कोड नहीं रखे रहेंगे जैसे वर्क यहां पे है पहला वर्ड तो यहां पहला कोड एसपीटी जरूरी नहीं है कि वर्क का ही होगा हो भी सकता है चांस बट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट uh, मतलब कह सकते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, नहीं नहीं जरूरी है, बिल्कुल. It is not necessary. है ना? तो ये चीज। हो पे हो लेकिन कि work का जो होगा, इन चारों में से कोई एक होगा so, हमें इसको आंसर करना है हमें फाइंड आउट करना है सारे बच्चे यहां पर बच्चे जो पढ़ चुके फटाफट आंसर कर रहे हैं फायरिंग कर रहे हैं बिल्कुल हमें भी यहां पर बाकी बच्चों को भी सिखाना है तो सीखते हैं फटाफट वर्क वर्क का कोड हमें देखना है हमें कंपेयर करना पड़ेगा वर्क का कोड हमें फाइंड करना है इन चारों में से कौन सा है तो हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे हम बाकी के जो सेंटेंसिस है उसमें ढूंढेंगे वर्क कहां पर है तो हमें वर्क यहां मिला यहां मिला और यहां मिला और कहीं पे वर्क नहीं है तो हम देखेंगे भाई पहला दूसरा पहला तीसरा और चौथे सेंटेंस का कोड में कोई सिमिलैरिटीज है क्या कोई सिमिलर कोड है क्या तो हम देख रहे हैं यार ऑफ कोर्स है यहां बी एस वाई दिख रहा है यहां भी बी दिख रहा है और यहां भी बी दिख रहा है फिर हम देखते हैं आर एस यहां है लेकिन यहां नहीं है थर्ड वाले में नहीं है क्यूएसआर यहां है लेकिन यहां पे है लेकिन यहां पे नहीं है तो दैट हमारे पास वाई जो होगा कोड हमारे पास मिल रहा है वर्क का कोड क्या हो गया आपका वर्क का कोड क्या हो जाएगा तो बी तो इस बात को आप क्या करेंगे फटाक से आप वहां नोट कर लेंगे या फिर आप एक और काम कर सकते हैं पहला सवाल इसलिए मैं बहुत ज्यादा ट्रिकी अप्रोच नहीं बताऊंगा अभी सेकंड क्वेश्चन में मैं और भी ट्रिकी अप्रोच बताऊंगी और भी क्या कर सकते हैं आप डायरेक्टली सवाल के आधार पर आप क्वेश्चन कैसे आंसर करेंगे ठीक है फिलहाल हमारे पास वर्क का कोड मिल गया गेट देखते हैं और कहां पे है गेट यहां पे है यहां पे है और यहां पे दैट मींस पर फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ सेंटेंस में हमें गेट मिल रहा है दैट मींस कि अभी हमने जब बीसी को देख रहा था बीएसवाई को देख रहे थे तो आर एस टी हमें तीन जगह मिला था आर एस यहां भी मिला यहां भी मिला और यहां भी मिला दैट मींस कि जो आपका गेट है ऐसा कोड क्या हो जाएगा आरएसवाई वाई आर एस सॉरी आर एस नेक्स्ट हमारे पास है वैल्यू वैल्यू वैल्य। हमारे पास कहां पे है फर्स्ट में है और यहां पे थर्ड में और कहीं भी नहीं है दैट मींस फर्स्ट एंड थर्ड में एक कोड हमारे पास कॉमन होगी अब देखो ये काम हम इस तरह से करते रहेंगे लेकिन अगर हम सवाल की बात करें अगर हम सवाल की बात करें बहुत ध्यान से अगर हम सवाल की बात करें तो हम एक काम और स्ट्रेटेजिक वे में कर सकते हैं हम कहेंगे भाई अगर सिर्फ रुपीज का पूछा गया है तो हम क्या सारा काम करना जरूरी है क्या हम कहेंगे यार थोड़ा सा स्मार्टली काम कर सकते हैं रुपीज का फाइंड करने के लिए या फिर आप चाहो तो जैसे हम कर रहे थे वैसे भी कर सकते हो हाँ इसमें बहुत तेज होना होगा आपको आपको लिखना कुछ भी नहीं है ध्यान रखिएगा इस बात से जैसे रुपीज का है तो आप देख रहे हैं कि भाई सेकंड और ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस था यह सेकंड सेंटेंस था यह थर्ड सेंटेंस था यह फोर्थ था तो हम डायरेक्टली यहां से देख सकते हैं कि हाँ भाई वॉक का कोड जो है बिजी, बी एस वाई था बेस्ट का आ, गेट का कोड आर एस टी था इस तरह से वैल्यू का कोड निकाल लेंगे और हमारे पास दिखाया तो यहाँ पे रुपीज और यहाँ पे रुपीज है है ना इस दोनों जगह पे रुपीज और कहीं भी रुपीज नहीं लगाया गया दैट मीनस कि हमारे पास कोई ना कोई डिफरेंट चीजें यहाँ पर नजर आ रही आई कि कॉमन चीजें नजर आ रही जैसे कि हमारे पास एल यू वी यहाँ है यहाँ नहीं है राइट right? तो अब रुपीज का कोड जो होगा एलयूवी नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर एक कट गया हमारे पास पीके एल यहां पर है और पीके एल यहां भी है तो दैट मीस हो सकता है ये हमारे पास जो सैलरी है सैलरी कहां पर है भाई सैलरी हमारे पास फर्स्ट में और यहां पर है दट मीन हमारे पास जो सैलरी कोड होगी वो कहीं ना कहीं हमारी हो जाएगी क्यू एस आर इस तरह से हम इंडिविजुअली काउंट कर लेंगे राइट right? बात समझ में आ रही है इंडिविजुअली काउंट कर लेंगे या फिर रिलेट भी कर लेंगे तो फटाफट आंसर करना चाहते हैं देखते हैं आंसर क्या होगा इसका सुनाओ so सैलरी की कोड अगर फाइंड कर लेते हैं तो हमें सम, स, बाकी बातें समझ में आ जाएंगी वैल्यू की कोड क्या हो जाएगी भाई वैल्यू की कोड हो जाएगी वैल्यू यहां पे भी है और यहां पे भी और कहीं भी वैल्यू नहीं दैट कि हम अगर फर्स्ट एंड थर्ड की बात करें हमारे पास कॉमन बात क्या है भाई क्यूएसआर यहां पर क्यूएसआर नहीं है थर्ड में क्यूएसआर नहीं एसपी टी है दैट मीन्स की जो वैल्यू है वैल्यू वर्ड जो है उसकी कोड क्या हो जाएगी उसकी कोड हो जाएगी आपकी एसपी टी पी टी दैट मीन्स की अब सैलरी की कोड क्या हो जाएगी सैलरी की कोड जो, जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी क्यूएसआर क्यूएसआर दैट मीन्स कि अब यहां पे हमारे पास जो है Love तो नहीं हो सकता ऐसा कोड कि एल यू वी नहीं हो सकता इसका किसका रुपीज कर, में, में, रुपीज में हमारे पास एल यू भी नहीं है तो तो गेट का कोड हमने ऑलरेडी फाइन कर लिया है गेट का कोड है हमारे पास आर एस टी तो हमने आर एस टी काट दिया यहाँ पे एस टी खत्म हो चुका है यहाँ से हमारे पास के एल खत्म हो चुका है के एल यहां भी खत्म हो चुका है सॉरी एल नहीं खत्म हुआ अभी आंसर हो सकता है एल ठीक है So, <coughs> मंत्री का कोड हम फाइंड करना चाहते हैं मंत्री हमारे पास फर्स्ट और लास्ट में है तो मंत्री का कोड हमारे पास क्या हो जाएगा एम हो जाएगा जेड हो जाएगा एम एनजी यहां पर एमएन जी हमारा मंत्री का कोड भी खत्म हो चुका है सैलरी बचा हमारे पास सैलरी कोड हमने कर लिया QSR, तो ये QSR भी गया टी वाईपी एंड पीकेएल हमारे पास, Now, हमारे पास दो बच है, यहां भी रुपीज है uh, तो यहां भी रुपीज है दो चीजें जब भी दो वर्ड कॉमन बचेंगी जब भी दो वर्ड दोनों सेंटेंस में कॉमन बचेंगे बहुत ध्यान से दिमाग रखिएगा जब भी दो

हाँ, बहुत देखो यहां पे हर तरह के बच्चे होते हैं यार बिल्कुल फ्रेशर होंगे बिल्कुल जो पढ़े जो मैं अभी प्री क्वालिफाई करके भी बैठे बच्चे यहां पे होंगे जो बिल्कुल अभी सोच रहे हैं नहीं मैं बैंक की तैयारी शुरू करता हूं तो ऑफकोर्स अड्डा टू टू फोर सेवन पर ही जाएंगे वो अब वहां पर आने के बाद उसको दिखाई देता है कि यार चलो लेक्चर चल रहा है शुरू हो रहा है तो फिर उसको पढ़ लेते हैं तो ये चीजें होती है हमें हर बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है तो प्लीज मैं इसलिए बोलता हूं थोड़ा सा पेशेंस रखा करो भाई जो बच्चे पुराने हैं थोड़े से ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास बोला गया फिफ्टी रुपीज वैल्यू सेकंड वे है सवाल को प्रेजेंट करने का फिफ्टी रुपीज वैल्यू रुपीज का हमें कोड अभी तुरंत मिल चुका है रुपीज का कोड क्या है भाई या तो पी के एल है या टी वाईपी है।, है ना पी के एल होगा या फिर टी वाई पी होगा ये तो कंफर्म है क्या हम वैल्यू इक्विड मालूम कर चुके हैं क्या तो वैल्यू इकोड हमें मालूम चल चुकी है वैल्यू कोड जो है वही वैल्यू कोड है आपके एसपी टी

ठीक है आई होप आइडिया इज क्लियर सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर कैसे किया हम लोगों ने बहुत मैं रिपीट करता हूं बहुत ध्यान से रिपीट कर रहा हूं इस बात को बिकॉज हमारे पास 50 का मान लेते हैं आएगा, हमें नहीं मालूम है दोनों में से क्या है लेकिन इन दोनों में से कोई एक है लेकिन जब इस सेंटेंस की हम कोड लिखने की बात कर रहे हैं तो वहां पर आईदर और लगा हुआ है तो हम ऑप्शन में या फिर आइदर और ऑप्शन होना चाहिए था और दो ऑप्शन में दो ऑप्शन में एक पीके एल यूज होना चाहिए था और बाकी फिफ्टी और वैल्यू का कोड यूज होना चाहिए था और एक ऑप्शन में अगर टीवाईपी यूज होता और फिफ्टी और वैल्यू का कोड यूज होता तो उन दोनों ऑप्शन को हम आईदर में यहाँ पे आंसर फिर से कर देते लेकिन यहां पे क्या है चार बिल्कुल डेफिनेट ऑप्शन दिए हुए हैं और एक सी दिया हुआ so है सो वी गो फॉर सी आई होप क्लियर ठीक है ठीक है ठीक है चार डेफिट कोड है चारों कैंसिल नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, है तो कोड है, है ना हमें मन्थ, की भी है कही न, कहीं सैलरी की मालूम है तो फटाफट चेक करते हैं हमारे पास मंथली का कोड क्या था मंथली कोड फाइंड किया था क्या ऑफकोर्स जेड एल एम फाइंड किया था मंथली का कोड हमें मिल गया था जेड एल एम राइट राइट नहीं एम एन जी जो मंथली का कोड है वो एम एन जी है मंथली का कोड जो था वो हमें मिला था एम एन जी एम एन जी ठीक है हमें जो गेट का कोड मिला था वो मिला था आर एस टी है ना अब हमें जो गेट का कोड मिला है गेट का कोड जो मिला था वो है आर एस टी उसके बाद हमारे पास और भी चीजें हैं जैसे कि हमारे पास ये वर्ड है uh, मंथली मंथली का कोड क्या मिला था हमें पे मंथली हमने फाइंड कर लिया ठीक है सैलरी का कोड हमें मिला था यहां पे सैलरी हमारे पास है सैलरी का कोड मिला था हमें क्यू एस आर तो सैलरी जो यहां वर्ड है सैलरी इसका कोड मिला था हमें क्यू एस आर अब ये तीन चीज हमारे पास है ऑफकोर्स ठीक है ठीक है हा एग्जैक्टली ठीक है सो ना एमएनजी आर एस टी एंड क्यूएसआर का कॉम्बिनेशन किसी भी ऑप्शन में नजर आएगा तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आई होप आइडियाज क्लियर सो इफ विल टॉक अबाउट दिस थिंग हमारे पास एमएनजी है ऑफकोर्स है आर आरएसटी है आर आरएसटी है लेकिन क्यूएसआर नहीं है आरएसटी uh, है क्यू एसआर है लव है यहां पे एम एन जी नहीं है यहां पे क्यू एस आर है एम एन जी है जेड एल एम हो गया नहीं है मतलब आर एस टी क्यू एस आर टाइप नहीं है मतलब चारों के चारों यहाँ पे क्या हो जाएंगे रॉन्ग आंसर हो जाएंगे आंसर फिर से क्या हो गया नन ऑफ दिस मीस कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री कोड्स मस्ट बी देयर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ई अगेन क्वेश्चन नंबर थ्री का भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज बहुत सारे बच्चे इसका रॉन्ग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं जबकि हमें मालूम है मंत्री का कोड जो है वो दिया हुआ है एम एन जी हमने निकाल रखा है ऑलरेडी हमने यहां पे गेट का कोड ऑलरेडी निकाल रखा है आर एस टी हमने सैलरी का कोड आराम से निकाल रखा है क्यू एस आर ये सब बातें हमने पहले कर, रही, कर रखे हम लोगों ने और अब देखो इस तरह के सवालों को सॉल्व करने का मैंने यही तरीका बता रहा हूं आपको क्या अप्रोच होगा ऐसे कि हमने सारे का कोड नहीं फाइंड किया ध्यान रखिएगा हम लोगों ने क्या किया थोड़ा सा स्मार्ट बुद्धि लगाया हमने कुछ आधे वर्ड्स का कोड फाइंड करके सवाल बना निकल पड़े हैं अब इसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन टैकल हो जाते हैं हिट हो जाते हैं मान लो कि नहीं हुए तो वापस जाके फटाफट हम बाकी कोड भी फाइंड कर लेंगे क्योंकि अगर हमारे पास आधे कोड भी मालूम है तो कहीं ना कहीं हम ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर मान लो ये सवाल आप

पी के एल है ना टीवाई पी एंड पी के एल ये बच गया था यहाँ पे सो so, अभी यहां पे इन आया हम फिर से यहां कि हमें ये तो कंफर्म है कि जो हमारे पास पीके एल या टी वाईपी हमारे पास ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन सही होगा तो यहां फिर इस ऑप्शन में देखा जाए तो ना ही पीके एल है नीवाई पी है तो ऑप्शन नंबर एक काट दिया हम लोगों ने यहां पर टीवाई पी है यहां पे, पे फिर से पीके एल नहीं दैट मीनस ये भी कट जाएगा अब हमारे पास ध्यान रखना पड़ेगा अब टी टीवाईपी पीकेएल यहां पे फिर से नजर आ गया दैट अब टीवाईपी पीके एल दोनों तो नहीं हो सकते ना ऑप्शन नंबर ये अब गलत हो जाएगा देखो हमने अभी क्या किया है हम लोगों ने क्या किया अभी हम लोगों ने अभी सिर्फ सिर्फ इस बात पे ऑब्जर्व किया कि हमारे हमने जब रुपीज का कोड फाइंड किया था तो वहां पे इन भी मिला था हमें और का का जो जो ऑब्लिक लगा लगा था था वो वजह से ही लगा था। मतलब कि कोड हमने बोला था टीवाई पी ऑब्लिक पीके एल उसमें से इन का कोड भी अगर कोई पूछेगा तो हम यही बोलेंगे टीवाई पी ऑब्लिक पीके एल दैट मीनस कि इस इन का कोड जो होगा वो डेफिनेट नहीं है हमारे लिए अभी तक हमारे पास जो कोड निकल गया है इनका वो भी आइदर और में ही निकल के आ रहा है दैट मीनस कि या तो हमारे पास ऑप्शन में

हाँ हमारे पास इन कहीं नहीं है तो हम ऑब्लिक में ही बात कर रहे हैं एक बार देख लेते हैं हमारे पास क्या मोर का कोड क्या है सॉरी मोर का कोड क्या है हम देख लेते हैं क्या हमने निकाला था मोर का कोड मोर का कोड हमने निकाला है क्या अह यस मोर का कोड जो था वहां पे ZLM बच गया ZLM तो मोर का कोड हमारे पास ZLM है अह uh, हाँ. zlm bsy मिल चुका है तो typ भी हमें मिल चुका है दैट मींस हम ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे यहां पे दैट मींस करेक्ट आंसर इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज zlm typ and bsy ऑफ कोर्स आइडियाज क्लियर आई होप आइडियाज क्लियर सो

Uh, संतोष रे सर यहां पे हैं जबरदस्त शानदार जानदार सेशन ओके okay, थैंक यू सो so मच और हां भाई तो उनके यहां पे आने का मतलब है कि ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं आपको वो ये कहना चाह रहे हैं कि सेशन को लाइक और शेयर कर दो भाई ये जरूर जरूर किया करो ठीक है चलो एक और क्वेश्चन देख लें हैं जल्दी से यहां पे अब कह रहा है कि जेड एल एम QSR और LUV का कोड क्या है इसका मतलब इसका वर्ड क्या बनने वाला तो हम अभी कुछ देर पहले ही देखे हमने पिछले वर्ड में कि जो वर्क है उसका कोड तो बी एस वाई लेकिन मोर का कोड क्या है जेड एलम है अभी हमने हम पता किया दैट मीनस की जहां पर भी जेड एलम नजर आएगा जेड एल एम तो इसका कोड क्या हो जाएगा वर्क दैट मीन्स की वर्क जिसमें होगा वो आंसर होगा इसमें वर्क नहीं है ऑप्शन नंबर मरे गया इसमें वर्क नहीं है इसका सॉरी उप... वर्क नहीं मोर सॉरी इसका कोड क्या है मोर है जेड एलम का कोड क्या है मोर है एम ओ आर ई ठीक तो है तो पहले ऑप्शन में मोर नहीं है तुमने yeah, तो क्या क्या ऑप्शन नंबर आउट कर दिया और डी और ई हमारे बचा है क्यूएसआर कोड क्या है uh, क्यूएसआर का, का कोड हमने मालूम किया था आई थिंक क्यू किसका कोड है कोड है आर जो है वो सैलरी का कोड है फटाफट चलते हैं हम लोग यहां पे सवाल पे और देखते हैं क्या होगा भाई तो क्यू इज अ कोड फॉर सैलरी तो हमने सैलरी का भी दैट मींस द सैलरी और हमारे पास मोर होना चाहिए सैलरी और मोर होना चाहिए दैट मींस नाउ वी नीड टू बी वेरी मच श्योर अबाउट दिस LUV और हमें जहां तक तो याद आ रहा है गेट का कोड जो था वो BSY था आ, मतलब कि कुछ भी था लेकिन वो LUV नहीं था एक बार चेक कर लें क्या आइए देखिए यहां पे Uh, जो गेट का सैलरी है वो आर एस टी था सॉरी आर एस टी था एल यू वी नहीं था वट शुड can well. e. e. हम ऑप्शन नंबर डी को आंसर करें या हम ऑप्शन नंबर ई के साथ चले जाएं लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन डेफिनेट बचा हुआ है ऑप्शन नंबर डी जहां की सैलरी और मोर हम आराम से टैकल कर लिया हमें फिफ्टी का कोड बस कन्फर्म करना है अब हम फिफ्टी का कोड कन्फर्म करेंगे फिफ्टी का कोड आखिर क्या है देखो इस वाले वर्ड में फिफ्टी हमारे पास नजर आया और कहीं भी फिफ्टी नहीं है अगर हम की कोड की बात करें तो की कोड

आई होप आइडिया क्लियर फिफ्टी का लव हा फिफ्टी का लव ठीक है नहीं 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 प्रीति सिंह वी हैवन टेक चांस राइट। तो हमने चांस कहाँ लिया हमने 50 का भी फाइन कर ही लिया ना हमने 50 का भी कोड फाइंड कर ही लिया है और हम लोगों ने आंसर कर ही दिया है बिल्कुल डेफिनेट हो गया हम लोगों ने डी और ई है तो हमने क्या बोला क्या हमें चांस लेना चाहिए मैंने फिर कहा कि नहीं जब एक ही बचा हुआ है एक ही वर्ड है तो फटाफट चेक करो ना कहां पे है और हमने चार पांच वर्ड का अगर निकाल लिया है ओके डी डी नेशनल यस सर आइडियाज क्लियर आइडियाज क्लियर सर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अगर 50 का कोई कोड नहीं होता और अगर हमारे पास गिवन जो कोड है यहां उसको मान लो जो कोड दिया है तो पक्की बात है वर्ड तो होगा ही मान लो 50 का कोड अगर नहीं दिया हुआ है तो या तो कोई रैंडम कोड अगर ऑप्शन में दिया है तो उसको आंसर कर देंगे और या तो हम नॉनोदी को आंसर करेंगे वहां पर ठीक है आई होप आईडिया क्लियर सो फटाफट नेक्स्ट नेक्स्ट फाइव क्वेश्चन जो आपको नजर आने वाले हैं वो नेक्स्ट फाइव क्वेश्चन आप होमवर्क के तौर पर क्लिक कर लीजिए और फटाफट उस so, 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 क्या कीजिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में जाए कमेंट कर दीजिएगा जो बच्चे इस सेशन को ऑफलाइन देख रहे हैं उनका काम है कि इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें और साथ ही साथ ऑफकोर्स आप भी कमेंट करें इन सवालों का आंसर दें अब ये सवाल जो है नम, हम लोग वर्ड को क्या कर रहे हैं नंबर में कोट कर दिया यहां पर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है देखो मसला ये है ना कि एक बार बोर्ड मिल जाए ना एक बार बोर्ड तो आ जाए अभी मैं तो इस पर पढ़ा रहा हूँ फिलहाल होम वर्क फ्रॉम होम है एक बार बोर्ड मिल जाए तो आपको अभी जितना आप अभी सीख रहे हो मुझसे जितना मैं आपको आउटपुट दे पा रहा हूँ इसका शायद ही डबल शायद कम से कम डबल हो जाएगा ध्यान रखिएगा तो बहुत मजा आने वाला है एक बार लॉकडाउन खुल जाए फिर असली में आप सौरभ सिंह से मिलने वाले हो ध्यान रखना अभी तो बस ट्रेलर चल रहा है अभी बस ट्रेलर चल रहा है ध्यान रखिएगा अभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी जाके विदाउट पेन होगा ऑब्जर्वेशन कंसंट्रेशन तभी हो पाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे आप साइकिल पे या बाइक पे हाथ छोड़ के पहले दिन नहीं चलाना चला चला पाए थे हम जब प्रैक्टिस कर लिए बहुत सारा तो हम लोग क्या देखिए भाई साइकिल पे हमने हाथ छोड़ना शुरू कर दिया था फिर हम लोगों ने बाइक पे भी हाथ छोड़ना शुरू कर दिए थे अब तो कार तो खैर फोर व्हीलर है उस बात ही नहीं करेंगे वाला एग्जाम्पल सेट नहीं करेगा ठीक है

क्वेश्चन नंबर नाइन का आपके स्क्रीन लेने के लिए यहाँ पे बिल्कुल तैयार है पिक्चर अभी बहुत बाकी है पिक्चर तो अभी शुरू हुआ है यार अभी तो बहुत मजा आने वाला है बस तो लॉकडाउन का समय चल रहा है बंधे हुए हैं हम लोग देख रहे हो कोने में बैठे हुए दिख रहे हैं तुम्हें बैठ के कोने में लिटरली मजा नहीं आ रहा है बहुत ज्यादा लेकिन मजा आएगा अभी जब क्लास में भी पहुंचेंगे जब बोर्ड पर पहुंचेंगे फिर मजा आने वाला है ठीक है क्वेश्चन नंबर टेन आपके स्क्रीन में नजर आ चुका है आपको जल्दी से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर टेन क्या कह रहा है और इसका भी स्क्रीन ले लीजिए और बिल्कुल आप सवाल को देखो इस सवाल को हिंदी में देखो यहां यही बात मुझे समझ नहीं आती है नहीं पछता है ये बात मुझे देखो अब इस सवाल को हिंदी में पता नहीं कैसे मैं लेके आऊंगा मुझे नहीं पता है ठीक है चलिए एक बात कर लेते तो जल्दी से <coughs> देखो लॉकडाउन का समय चल रहा है अभी मैंने बोल ही रहा था लॉकडाउन का समय प्रोडक्टिव कैसे बनाए कोर्स बैठे रहते हैं हम लोग बैठ बैठ के पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं जो भी कर रहे हैं सो so, अगर आपको अपना पर्सनलिटी डेवलपमेंट क्लास करना है जो भी इंटरव्यू क्लासेस है उसको हम लोग रन कर रहे हैं ऑफकोर्स तो आप क्या करना है उसके लिए अड्डा ट्वेंटी फोर पर विजिट कीजिएगा वहां पर आपको नजर आ जाएगा क्या इंटरव्यू uh, क्लासेस आपको शुरू होने वाली है पीडी क्लासेस शुरू होने वाली है तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है हमारे अड्डा ट्वेंटी फोर विजिट कीजिए और इस Uh, जो लॉकडाउन का समय है जो शिथिल टाइम है इसको प्रोडक्टिव बनाइए क्योंकि आने वाले समय जिन जिनका प्री हो चुका है जो मेंस देने वाले हैं एटलीस्ट वो लोगों को जरूर ज्वाइन करना चाहिए और इस पूरे बड़े से टाइम ड्यूरेशन uh, को जो आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम है तो आप उसको प्रोडक्टिव बना सकते हैं आई होप आइडियाज क्लियर

हमारे कंट्री के अंदर तो फिर आप क्या कर सकते हो हमारे पास सब कुछ का जुगाड़ है मतलब कि हमारा यू चैनल्स डिफरेंट वर्टिकल्स बैंक एस टीचर्स इंजीनियर्स डिफेंस स्टेट एग्जाम्स सभी के लिए हम लोग यहाँ पे आपके लिए मौजूद हैं आपको कुछ नहीं करना है आपको बस यहाँ पे हाँ ठीक है एक बच्चा पूछ रहा है सर वाई और उसमें देखो वाई पे क्या होता है थोड़ा सा ना समय का कमी होता है सुकून नहीं होता यहाँ पे हम यहाँ पे आ, में सुकून होता है मतलब डिसिप्लिन चीजें होती, होती है भाई मुझे अभी से लेके -लेके तीन महीने तक पढ़ाना है।, तो हम होते है कि हम स्ट्रक्चर को प्लान कर सकते हैं प्रॉपरली सुकून से चलते हैं एनी वेज ठीक है अब पीडीएफ <coughs> मैं इसको डलवा दूंगा आज, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल मिल जाएगा पीडीएफ क्ला, का और पिछले क्लास का पीडीएफ भी शायद अपलोड नहीं हुआ है तो मैं उसको भी आज करवा दूंगा तो आज के दिन यहीं रखते हैं मिलते हैं कल ठीक ग्यारह बजे और बात करेंगे हम लोग किस चीज की कोर्स कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग के कुछ और सवालों पे मतलब न्यू पैटर्न पे कहीं कही ना कहीं या फिर बाइनरी कोडिंग पे भी बात करने वाले हैं और इसके बाद अभी बारह बजे आपकी सेशन है किसी करंट अफेयर्स की तो मिलते हैं कल हम फिलहाल ग्यारह बजे अब तब तक के लिए धन्यवाद ब टेक केयर स्टडी वेल और हाँ ब्लेसिंग्स और साथ ही साथ घर पर रहिए सुरक्षित रहिए पढ़ते रहिए